नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। यहाँ हम है ना शिक्षा एवं सशक्तिकरण समिति ने साइकिल यात्रा का आयोजन किया। यह यात्रा स्वास्थ्य जागरूकता के लिए और पर्यावरण पॉल्यूशन अवेयरनेस के लिए निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि ग्वालियर पूर्व के विधायक मुन्ना लाल गोयल और विशिष्ट अतिथि समाज सेवी हरिओम गौतम और डॉक्टर रजनीश निखारा ने साइकिल चलाकर यात्रा का प्रारंभ किया। यात्रा का शुभारंभ मुराटप्पा तहसील से होकर 7 नंबर चौराहे से बारादरी होते हुए ठाटीपुर पर स्वामी विवेकानंद चौराहे पर समापन किया गया। यह यात्रा प्रत्येक रविवार को शहर के अलग अलग क्षेत्रों में निकाली जाएगी। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक बनाना और पर्यावरण को बचाना होगा। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से अनु पांडे की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनु पांडे और इस वक्त मैं मौजूद हूं ग्वालियर शहर के मुरार स्थित तहसील टप्पा में। जी हां, मौका है, यहां पर एक साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है जो कि हम है ना सशक्तिकरण एवं शिक्षा समिति के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारे युवा लोग भी शामिल हो रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की साइकिल यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है, इसी के बारे में हम जानते हैं इस समिति के आयोजक सुनील कुमार राठौर जी से। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। सबसे पहले जानना चाहूँगा क्या उद्देश्य, क्या सोच? जी, अपना उद्देश्य है शहर में जो यूथ है, आज का जो यूथ है, जो न्यू जनरेशन है, बाइकों से और गाड़ियों से जाती है और जिमों में जाके साइकिल चलाती है। अपना मकसद है उन्हें घर से बाहर निकालना है। कम से कम हफ्ते में एक या दो दिन साइकिल से यात्रा करनी चाहिए। वो प्रॉपर अपना जो एनर्जी है वो बरकरार रखनी चाहिए। इसका अपना उद्देश्य है सर कि अपन हर प्रत्येक संडे को यात्रा निकाला करेंगे, शहर के अलग अलग क्षेत्रों में निकाला करेंगे, जिससे क्या है जो यूथ है जागरूक रहेगा और यात्रा का अपना मकसद है जिससे अपना स्वस्थ शरीर भी रहेगा और पर्यावरण में ही पॉल्यूशन मुक्त रहेगा। और अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपन एक्सरसाइज की योगा के बारे में लोगों को बताया करेंगे सर, प्रेरित किया करेंगे और वृक्ष वगैरह लगाएंगे। वर्तमान में मैं जानना चाहूँगा कितने सदस्य आपके इस समिति में जुड़े हुए हैं और कितने लोग जागरूक हैं साइकिल यात्रा के लिए? जी, अभी जागरूक यात्रा के लिए करीब कम से कम 100 से 200 साइकिलों के लिए यहाँ पे आने वाली है और इसके अलावा करीब 500 से ज़्यादा को लोगों को अपन प्रेरित कर चुके हैं, अभी जुड़े हुए हैं और करीब अभी से कम से कम 100 से ज़्यादा लड़कियों को अपना क्लिक से निकाल के दिया है सर। और बच्चों को भी छोटे छोटे गेमों की तैयारियाँ कराते हैं सर। वो करीब कम से कम 50 से ज़्यादा स्कूलों में अपने प्रोग्राम चल चुके हैं सर। इसके अलावा आप क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं शहर के अंदर में? शहर के अंतर्गत सर अपन गर्ल्स के लिए निःशुल्क फिजिकल कराते हैं सर और उसके अलावा बच्चों को गेम्स कराते हैं और गेम्स के अलावा सर बच्चों को एक्सरसाइज स्कूलों में जाके उन्हें छोटी एक्सरसाइज कराना है, डाइटिंग के बारे में, खाने के बारे में बताना सर। और जो आज के ज़माने में जो न्यू जनरेशन है जो इंडोर गेम्स में है और आउटडोर गेम्स को छोड़ चुके हैं, इंडोर गेमों से आउटडोर गेमों में लाना है। जैसे इंडोर गेमों का मतलब मेरा सर है कि जैसे लैपटॉप मोबाइल और जिन गेमों में से बच्चे हैं जिनसे उनका मानसिक और शारीरिक विकास की ग्रोथ रुक जाती है, उनको आउटडोर गेम्स में लाना, उसे गेम्स खिलाना, जिससे क्या उनकी शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमता बढ़ सके सर। और ये अपना उद्देश्य है सर जो आने वाली पीढ़ी, क्योंकि मेरा मानना है सर क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए हमें नियमित समय से खेल और व्यायाम करना अत्यंत आवश्यक है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुनील राठौर जी जो कि हमें ना शिक्षा समिति के आयोजक हैं और ये साइकिल यात्रा आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये प्रथम रविवार है और इनका ये कहना है कि इस प्रकार की साइकिल यात्रा हमेशा निरंतर चलती रहेगी। चलिएगा कुछ और लोगों से बात करते हैं जो इस साइकिल यात्रा में आज शामिल होने जा रहे हैं। तो दर्शकों, मेरे साथ में एक और शख्स मौजूद है जिनका नाम डॉक्टर विजय सिंह है। डॉक्टर जय सिंह राठौर जी हैं, चलेगा उनसे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपको खुद भी स्वास्थ्य से संबंधित आपका क्षेत्र है, आप क्या कहना चाहेंगे इस माहौल को लेकर जो कि इस वक्त में यहाँ देखता हूँ? जैसा कि मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है और सभी यूथ हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा, एक प्रेरणादायक है युवाओं के लिए और समय निकालें अपने स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है हमारे जीवन का और जब तक हम स्वस्थ नहीं होंगे तो कहीं पे भी डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर, आप किस प्रकार की आजकल डिजीज देखते हैं, बीमारियां युवाओं में या फिर बड़ों में देखने को मिलती हैं आपको, जो केसेस आपके पास में आते हैं? आजकल जो केसेस बीमारियां निकल रही, मोटापा,
लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, जो रोज दैनिक क्रियाएं हैं उनको नहीं करते हैं। मैं यही बोलूंगा, सभी से निवेदन करूंगा कि डेली स्वास्थ्य के लिए कम से कम आधा घंटा 15 मिनट जरूर निकालें। आप तो किस प्रकार से प्रेरक का काम करते हैं, लोगों को प्रेरणाएं देते हैं स्वास्थ्य से जुड़ने के लिए, प्रकृति से जुड़ने के लिए मैसेज देते हैं? जी बिल्कुल, हफ्ते में 15 दिन में पौधारोपण भी करते हैं और कैंपेन वगैरह भी करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, जो भी डिसीज है उनके बारे में बताते हैं, किससे कहाँ से कैसे बीमारियाँ होती हैं। अभी जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो साइकिल यात्रा प्रारंभ की है अभैना शिक्षा समिति की ओर से, उसको आगे ले जाएँ। सभी जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि आपको इस मुहिम का हिस्सा बने और इसको आगे बढ़ाएं। तो ये थे डॉक्टर जय सिंह राठौर जी, जिन्होंने हमसे बात की और हमें बताया कि आखिरकार एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है एक सोच में। एक और हमारे साथ में साइकिल यात्री हैं जो कि आज इस साइकिल यात्रा के गवाह बनेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंकित माहौर। अंकित जी आप कहाँ रहते हैं? मैं नदी पाटन में। इस साइकिल यात्रा में कैसे प्रेरणा मिली, क्या सोच मिली आपको? सोच ये मिली कि हल्का सा महसूस होता है। आप इससे पहले भी कहीं साइकिल पहले प्रैक्टिस नहीं करते तो आपको पता होना चाहिए साइकिल चलाने के लिए कुछ सुरक्षा के प्रबंध भी करने होते हैं। क्या करने होते हैं प्रबंध? हेलमेट लगाना, नी पैड। तो आज इस साइकिल यात्रा में आप इन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे? आज तो नहीं करेंगे, अगली बार से करेंगे। आपको पता है ग्वालियर शहर की सड़कों का क्या हाल है, उनमें क्या साइकिल चल पाएगी? नहीं चल पाई, लेकिन तब भी चलाना पड़ेगा। चलेगा आपके लिए, ढेर सारी शुभकामनाएं। दर्शकों ये थे बहुत सारे हमारे साथ में जो कि आज साइकिल यात्रा के गवाह बनेंगे और इस प्रकार से ही कहीं ना कहीं एक सोच होती है जो जिंदगी को बदल सकती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें इंडिया खबर लाइव के साथ। मैं अनूप पांडे, मेरे सहयोगी गोविंद के साथ, थैंक यू, धन्यवाद।